हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आपकी रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं हम G20 दिल्ली रोड्स ब्यूटिफिकेशन प्रगति मैदान स्टनिंग ट्रांसफॉर्मेशन न्यू इंडिया। अरे वाह, आप कह रहे थे हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, उन्होंने एक और बहुत ही अच्छा वीडियो बना दिया, अब जल्दी देखो। मैं भागी आई हूँ भैया देखने के लिए, क्योंकि दिल्ली का तो कभी मिस हो ही नहीं सकता, और वो भी प्रगति मैदान जिसके साथ इतनी अटैचमेंट है। हर बारी जब भी वहाँ पे बुक का फेयर होता था या दूसरे फेयर होते थे, ट्रेड फेयर होता था जिसमें दुनिया भर की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी, वो तो देखने हम लोग जाते ही थे। मैं, मम्मी, पापा, भाई को नहीं इतना होता था, पर हम तीनों तो जाते, हर बंदा दिल्ली का जो है प्रगति मैदान जाता था। हमारी तो वही आउटिंग होती थी, वो हमारी आउटिंग होती थी। तो चलो अब देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ओए होए, पहचाना नहीं जा रहा। मैं तो पहचान ही नहीं पा रही, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही। अरे ये हमने देखा हुआ, ये भी नहीं देखा, ये सब नई चीजें हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में, और आज की जो वीडियो है हमारी G20 की जो ब्यूटिफिकेशन है उसकी सीरीज की दूसरी वीडियो होने वाली है। और ये जो जगह है ये ITU है। ITU काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है दिल्ली के अंदर। हम यहाँ से जाने वाले हैं प्रगति मैदान की तरफ, जो कि है G20 का वेन्यू। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं सामने, अगर आप देखें प्रगति मैदान है लेफ्ट में, तो हम पहुंच जाएंगे प्रगति मैदान, और रोड से हम देखेंगे कितना ज्यादा जो ब्यूटिफिकेशन और रीडेवलपमेंट है इस जगह का हुआ है। वहाँ तक जा रहा है लेफ्ट में, जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये स्काई वॉक था। ये कब बना है? सबसे पहला स्काई वॉक था, उसके साथ में लेफ्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वो यहीं पर आता है। और ये जो सारा स्काई वॉक यहाँ पे बनाया गया था 2019 में, उसे ओपन किया गया था। लेफ्ट में अगर आप देखें तो देखा ही तो नहीं। आपको काफी ज्यादा जो ब्यूटिफिकेशन है, रीडेवलपमेंट किया गया है। लेफ्ट में ही जो प्रगति स्टार्ट हो जाता है, ये जो अभी हम इंडिया जो है एक है 1001, प्रगति मैदान की वो दिखेगी, बीच में वो गमले लगते हुए। अच्छा, गमले हैं। ये जो सारा का सारा एरिया है प्रगति मैदान का, जो रोड है ये सारी की सारी रीडेवलप की गई है, काफी ज्यादा वाइड बनाया गया है, ग्रीनरी बनाई गई है, वॉकिंग का एरिया साइन बोर्ड लगाए गए हैं। और लेफ्ट में आप देखें तो काफी ज्यादा ओपन एंट्रीज भी दी गई हैं प्रगति मैदान के लिए, और यहाँ पे ये अंडरपास भी बने हैं। अगर आप सामने देखें तो ये अंडरग्राउंड अंडरपास भी बनाए गए। अंडरपास क्या होता है? ओपन नहीं है, लेकिन उस टाइम लोग जाते हैं, गाड़ियां जाती हैं। ब्यूटीफुली ग्रीन एरिया बनाया गया है। लगभग 2018 के आसपास जो प्रगति मैदान है उसका रीडेवलपमेंट का प्लान जो स्टार्ट हुआ था, और वो कम्प्लीट हुआ है 2023 जुलाई में। और आज अगर आप देखें तो आपको पहचान में नहीं आएगा कि कितना ब्यूटीफुल किया गया है। लेफ्ट में आप देखें तो नई बिल्डिंग्स बनाई गई, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, और यही खासियत है नए मॉडर्न इंडिया की। सामने अगर आप देखें तो G20 जो है वो मैं पूछ रही थी क्या लिखा है, आपको यहाँ पर नजर आएगी, लाइट जलेंगी उसकी G20 की। यहाँ का जो ये स्ट्रेच है लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिस पर पूरा का पूरा रीडेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन हुआ है, और काफी ब्यूटीफुल लगता है रात को भी। और थोड़ी देर के बाद ऊपर वो G20 और वो जो है क्या बोलते हैं इनको, G20 की जो बैचिंग है वो हर तरफ की है, ब्रिज टाइप से जो बनाए हैं। मथुरा रोड से हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, भैरव मार्ग है इस पर जाएंगे, और यहाँ से सामने आपको जो पुराना किला है वो भी नजर आने लग जाएगा। सामने अगर आप देखें तो ये पुराना किला की इमारत है, जो कि जस्ट अपोजिट टू प्रगति मैदान आता है, यहीं पर चिड़ियाघर भी है। यहाँ लेफ्ट में भी अगर आप देखें तो ये भी प्रगति मैदान की ही बिल्डिंग्स है, और न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है। काफी सारे पवेलियंस यहाँ पे बनाए गए हैं, एमपी थिएटर है अंदर, रॉक कॉन्सर्ट भी आप कर सकते हैं अंदर, तो इतना बड़ा बनाया गया है ये। और इस तरफ का जो भैरव मार्ग है जिसपे हम है अभी, यहाँ पे राइट में भैरव मंदिर है, और लेफ्ट में पूरा का पूरा जो ये क्या है बीच प्रगति मैदान है, गेट नंबर 1 आता है और 4 आता है। और इस तरफ भी काफी ज्यादा वाइड कर दिया गया, अंडरपास भी बना दिया गया, काफी नैरो रोड हुआ करती थी, काफी अनइवन डस्टी सी रोड हुआ करती थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो सड़क अंडरग्राउंड है, बना दी गई है। हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और
सामने अगर आप देखें तो नए नए डिजाइन जो है वो भी यहाँ पर हर तरफ आपको नजर आएंगे। ये क्या बना हुआ है? वाह, मॉडर्न आर्ट लग रही है। यहाँ अगर आप लेफ्ट में देखें तो ये है प्राचीन भैरव मंदिर, काफी ज्यादा फेमस और पॉपुलर मंदिर है यहाँ का। मैं कभी नहीं गई भैरव मंदिर। और यहाँ लेफ्ट में भी आप देखें तो लाइटिंग के जो पिलर्स हैं आपको अलग तरीके के नजर आएंगे। और वॉकिंग यहाँ भी बनाया गया है काफी, अगर आप पहले आए होते तो काफी डस्टी था। और सामने अगर आप देखें तो इंडिया गेट आईटीओ दोनों की तरफ जा सकते हैं। आईटीओ से हम आए हैं और यहाँ पर अगर राइट में भी आप देखें तो डिवाइडर पे भी काम चल रहा है काफी कुछ। तो बदन तो बचे ही नहीं है, जल्दी जल्दी करेंगे अब खत्म। गमले देखो कितने सारे, बता रहे थे ना गमले किसी ने उठाए तो उनके ऊपर केस होएगा। कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ भी अगर आप लेफ्ट में देखें तो आपको काफी सारे गमले जो है वो लगे हुए दिखेंगे। और काफी ज्यादा वॉकिंग का जो एरिया है वो बनाया गया है, पेंट किया गया है यहाँ पर। और इस तर्ज पे इस जगह को बनाया गया कि आपको पता नहीं चलेगा कि पहले ये कैसी जगह थी। अगर पहले अगर आप आए होते तो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं डिसऑर्गेनाइज थी, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली इसको ऑर्गेनाइज कर लिया गया और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथ हो चुका है। लेफ्ट में यहाँ पे पुराना किला है, साथ में ही यहाँ पर आता है चिड़ियाघर, दिल्ली का फेमस। ये जो राइट साइड में डार्क पूरी सी बिना ब्रेक की लाइंस के, इसमें क्या ऑटो वाले और बसों के लिए होती हैं? वो ऑटो है, उसमें ऑटो ही दिख रहे हैं। ये पेट्रोल पंप, ये जो जगह है ये सुंदर नगर का एरिया है। और यहाँ पर आगे एक यू टर्न बनाया गया है जहाँ से आप वापस यू टर्न लेके प्रगति मैदान की तरफ जा सकते हैं। लेफ्ट में जो है सुंदर नगर है जो कि काफी ज्यादा पोश एरिया है। ये सामने अगर आप देखें फिर से तो यहाँ पर ही अंडर पास बनाया गया है। अंडर पास है, यहाँ से यू टर्न लेंगे और अंडर पास से चलो मेरे को देखना है जो ब्यूटीफिकेशन। ये वो जो मोदी जी का वो था ना जिसमें वो साइड ऐसे जैसे ये पेंटिंग्स की है वो ही, हम भी तो ऐसे अंडर पास में गए थे। अगर आप देखें तो जो ड्राइंग है बहुत ही ब्यूटीफुल तो वैसा ही है। ये वही मोदी जी वाला है क्या? चीजें इन पर भी काफी तो वही वाला लगा जिसमें हम गए थे। बताओ ये वही है कि ऐसे नहीं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये वो वाला वंडर पास से यू टर्न कराया, बड़ा अच्छा बनाया। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं होते थे। बहुत सुंदर लगा। समय के साथ जो दिल्ली की छवि है, इन सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्यूटिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जिस तरीके से जिस तर्ज पे यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं ऑरेंज वाले जो काम कर रहे हैं। लार्जेस्ट इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है उसकी कैपिटल का जो एक दर्जा है वो अब धीरे धीरे इख्तियार कर रही है। राइट में अगर आप देखें अगेन आपको ये बिल्डिंग नजर आ जाएंगे जो पहले जो प्रगति मैदान बनाया गया था वो 1972 में बनाया गया था। तो उसके बाद से बहुत जरूरी था कि जो बिल्डिंग्स है उन्हें अपडेट किया जाए और जिस तरीके से इसे अपडेट किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसी तर्ज पर जो और भी जो कंस्ट्रक्शन है जो हो रही है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर जो है द्वारका में वो भी आने वाला है। बहुत ही बाहर से दिखा रहे हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइबर हैं और आपने अभी तक अपना नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो जो है अपलोड हो आप उसे इमीडिएटली आप तक पहुँच सके। इतना सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर लग रहा है, दिल खुश हो गया मेरा, मुझे ऐसा ही चाहिए दिल्ली। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, प्रगति मैदान यहाँ पे, कनॉट प्लेस जो है वो भी यहीं आसपास में है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कनॉट प्लेस को भी अच्छा मंडी हाउस है वो भी यहीं पर है, इंडिया गेट यहीं पर है। तो ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल जो दिल्ली का एरिया है वो यहीं पर है। राइट में अगर आप देखें तो ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है सामने ब्राउन कलर की, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, घर हुआ करता था जिसकी गमले सोचो कितने, 1 करोड़ गमला खत्म होने के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। कितना हार्ड वर्क, कोर्ट की बिल्डिंग्स को एक्सटेंड किया गया। सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे पहले से ही है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो एरिया था उसको बढ़ा दिया गया और कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर भी बनाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।
मजा आ गया यार देख के, इतना बढ़िया, पूरा दिल्ली जैसे मैं कह रही हूँ ना ऐसा बन जाए, फिर लगेगा कि ये हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया है। ऐसा कैपिटल ऐसा ही होना चाहिए हमेशा, यही तो सपना है किसी मेरा। भी समय आओ, दैट इज हमेशा हमेशा कहीं पे भी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, पूरा दिल्ली ऐसा होना चाहिए, पूरा दिल्ली ऐसा होना चाहिए, तब लगता है कैपिटल। भैया हमारी देश की कैपिटल सबसे सुंदर होनी चाहिए, ये मेरा सपना है, मेरा ख्वाब है, और अब दिख रहा है कि थोड़ा पैचेस ऐसे हो रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ G20 और सारी जिस टाइप की भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना वो इंडिया में होनी चाहिए, उससे फास्ट वर्क होगा और अच्छी जगह बनेंगी। देखो कितना फायदा हो रहा है, वहां कश्मीर में भी बन गए, इतना सुंदर कर दिया, जहां जहां हो रही है वहां पे इतना अच्छा वो एरिया करी जा रहे हैं, और उससे क्या होगा पब्लिक को भी दिखेगा ओ, इतना सुंदर, और उनको फिर होगा वो तमन्ना निकलेगी उनके दिल में कि भाई हमें और यहाँ पूरे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है, अब देश की शान बढ़ा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट क्या मेहनत करती है वो भी देखनी है। हाँ भैया उनको करना है, उनको दिल्ली को ठीक करना है, दिल्ली को पूरा ऐसा बना दे, गवर्नमेंट ने ब्यूटीफुलिंग कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ब्यूटीफुल। लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है वो भी हमें देखना है। और अगर वो ये पूरे दिल्ली को ऐसा कर दे तब हम मानेंगे कि हाँ वाकई वो लोग तो कुछ और करेंगे, मगर क्या चेंजेस वो अच्छा कर रहे हैं, करें ना इस तरह से डेवलप करें, कैपिटल लगे, शान हो हमारी कि भैया दिल्ली जैसी और कोई जगह ही नहीं है, वो ऐसी बननी चाहिए, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है यार, बताओ ठीक बोल रही हूँ ना मैं। पर ये बहुत सुंदर वीडियो था, मजा आ गया यार, दिल्ली जाने का मन कर रहा है अभी, उदासी भी आ रही है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।